नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, प्रिंसिपल डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट, फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स दिल्ली। आज हम बात करेंगे प्री ट्रांसप्लांट इवेल्युएशन। जैसे कि मैंने आपको पुराने वीडियोस में बताया हुआ है, सीकेडी स्टेज 5 के लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। लेकिन एकदम से एक सीकेडी पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होता, उसकी प्री ट्रांसप्लांट इवेल्युएशन होती है, पेशेंट की भी और डोनर की भी। और ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा डिटेल में। जहाँ तक डोनर का सवाल है, तो डोनर का बहुत डिटेल में टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें हार्ट, लिवर, लंग, किडनीज को डिटेल में देखा जाता है। साथ साथ हम देखते हैं कि कंफर्म करते हैं अल्ट्रासाउंड से कि उसकी दोनों किडनीज हैं, और एक DTPA स्कैन होता है जो मैं बताता है कि दोनों किडनीज अलग अलग अच्छा काम कर रही हैं। और इसके साथ साथ यूरिन प्रोटीन लीकेज का भी एक टेस्ट होता है। तो ये सारे टेस्ट, इन्फेक्शन के टेस्ट भी होते हैं जिसमें हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, HIV, यूरिन कल्चर। तो डिटेल टेस्टिंग के बाद अगर सारे टेस्ट क्लियर होते हैं और हमें पाया जाता है कि डोनर को डायबिटीज नहीं है, डोनर का प्रोटीन लीकेज नहीं है, डोनर की दो किडनीज हैं, डोनर की दोनों किडनीज अलग अलग अच्छा काम कर रही हैं, तो डोनर को हम एक्सेप्ट करते हैं एज हेल्दी किडनी डोनर फॉर अ ट्रांसप्लांट। यहाँ तक पेशेंट का सवाल है, पेशेंट के लिए भी एक्टिव इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन के दौरान कोई भी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता। कई बार हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन निकलता है तो हेपेटाइटिस सी की दवाइयाँ शुरू कर दी जाती हैं और उसके साथ ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। अगर ट्यूबरक्लोसिस की इन्फेक्शन निकलता है तो TB की दवाई कम से कम हम एक महीना देते हैं, फिर किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। और अगर कोई और निमोनिया है, यूरिन इन्फेक्शन है, तो उसका एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दे के इन्फेक्शन फ्री हो जाए। जब हम देख लेते हैं पेशेंट इन्फेक्शन फ्री है, साथ साथ हम एक डिटेल हार्ट एवेल्युएशन करते हैं, क्योंकि किडनी पेशेंट्स का अक्सर हार्ट कमज़ोर रहता है। और किसी का हार्ट अगर बहुत ज़्यादा वीक है तो और उसको स्टेंटिंग की ज़रूरत है या बाईपास की ज़रूरत है, ये भी पहले कर दिया जाता है। और एक कार्डियोलॉजिस्ट से कार्डिक क्लियरेंस फॉर सेफ्टी ऑफ एनेस्थीजिया, ये बॉडी आपकी तैयार हो, एनेस्थीजिया बर्दाश्त कर सकती है, एनेस्थेटिक ऑपरेशन के द्वारा कोई दुर्घटना ना हो। इसके साथ साथ जो रूटीन टेस्ट होते हैं जिसमें CBC होता है, KFT होता है, PTH कैल्शियम फॉस्फोरस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने के लिए, ये भी किए जाते हैं। तो ट्रांसप्लांट से पहले डिटेल्ड इवेल्युएशन ऑफ द पेशेंट एज वेल एज द डोनर इज रिक्वायर्ड। जो टेस्ट मैंने बताए वो हो जाते हैं, और अगर ये सब टेस्ट क्लियर हो तभी आपको ट्रांसप्लांट में जाना चाहिए, क्योंकि ट्रांसप्लांट एक इलेक्टिव प्रोसीजर है, हमने एक बार करना है। और तब करेंगे जब बेस्ट पॉसिबल हेल्थ डोनर और पेशेंट हो। आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल डॉक्टर संजीव गुलाटी किडनी क्लिनिक को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। थैंक यू।